बहुत खुश हूँ बाराबंकी में आकर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इनवाइट किया। कोविड के बाद ये पहला बॉडी बिल्डिंग शो है जी। उम्मीद करता हूँ कि और भी ऐसे बॉडी बिल्डिंग शो हो, यंग लोग और भी एक्साइटेड रहें, जिंदगी में काम करें। मौजूदा दौर में कितनी इम्पोर्टेंट है इसमें जी, कितनी इम्पोर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग की वर्तमान समय में, मौजूदा दौर में? बॉडी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। बॉडी बिल्डिंग का आप करें या नहीं करें, लेकिन हेल्थ और ज़िंदगी वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जान है तो जहान है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका हेल्थ अगर बहुत हेल्थ है तो सब कुछ है, बॉडी हो या नहीं उससे फर्क नहीं। लोग एक टाइम के बाद ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसके बाद उनका सेहत खराब होता है, मतलब उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता अगर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है तो उसका जिम्मेदार इंसान खुद है, इसके लिए किसी और को तो आप, अगर आप खाना नहीं खाते अच्छे से तो अगर नरिशमेंट नहीं मिलता है, खाना आप खुद अच्छा नहीं खाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और तो नहीं है। सॉरी, ये भी एक आर्ट है बॉडी बिल्डिंग जी, लेकिन इसको जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें शामिल करना चाहिए जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से होना चाहिए। बहुत सारे यंग लोग हैं इस देश में जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, और हेल्थ और फिटनेस तो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, आप सबको पता है। खान जी, उत्तर प्रदेश में तमाम कलाकार हैं, लेकिन उन कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से? मुझे उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म अब मिलेगा। नोएडा फिल्म सिटी बनने जा रही है, क्या लग रहा है तमाम कलाकारों को रोजगार मिलेगा? बहुत बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है उससे, बिल्कुल मिलेगा मेरे ख्याल से।